दोनों सोना के बीच में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे रामा रामा राम हरे रामा रामा राम हरे रामा रामा राम हरे रामा रामा राम। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम व्रत को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पिता पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचा दादा परदादाओं को गुरुओं को मामाओं को भाइयों को पुत्रों को पौत्रों को तथा मित्रों को ससुरों को और सहोदरों को भी देखा और प्रभात किया। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले, उत्तरादि और अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन सौजन समुदायों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, हाथ से कांडी धनुष गिरा रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं। युद्ध में सौजन्य समुदायों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और ना राज्य सुखों को ही। हे गोविंद, आप ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ? हमें जीने के लिए राज्य, हम जिनके लिए राज्य भोग सुखादि अभीष्ट है, वे ही सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजनों, ताऊ चाचा लड़के, इसी प्रकार दाऊ मामे ससुरे पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोक का राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो क्या कहना? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम क्या प्रसन्नता होगी? इन आतिथियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतः हे माधव, अपने में बांधो धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। क्या आपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि लोभ से बरसचित हुए लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? कुल के नाश सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म की नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल पाप भी बहुत फल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है। हे वासना, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है।
वर्ण शंकर कुल कात्यो को कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुए पिंड और जल की क्रिया वाले अथा श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकार दोषों से कुल घाति को सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हो शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उगत हो गए, यदि मुझे शास्त्र रहित एवं सामना करने वाले को शास्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र को रण में मार डाले, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वर्ण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गए। श्री कृष्ण गो